बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम जा रहे हैं सियालकोट, चूँकि छुट्टियाँ हो गई थी तो इसलिए हम भी घूमने के लिए जा रहे थे सियालकोट। तो मैं सियालकोट का टूर करवाऊँगी आपको और वहाँ जाके जो है अपना गाँव भी आपको दिखाएँगे। तो वहाँ की रूटीन, डेली रूटीन जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर गाड़ी हमारी जो है वो चल पड़ी थी। तो यहाँ पे जो रास्ता है ये तकरीबन 5 से 6 घंटे का जो है वो सफ़र है, उसके बाद हमारा गांव आ जाता है। तो ये सारा व्यू आप चेक करें कि कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ से तकरीबन हमें 2.5 से 3 घंटे हो गए थे गाड़ी में बैठे हुए और काफ़ी थक भी चुके थे। अब गाड़ी ने स्टे किया था तो यहाँ पे हम एक होटल में रुके थे। तो यहाँ पे जो कुछ खाना पीना था वो हमने लिया और 5 मिनट का स्टे था, उसके बाद दोबारा से जो है हमारी गाड़ी वो चल पड़ी थी। और 2 से 2.5 घंटे के बाद जो है गांव हमारा आ गया था। तो गांव में आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो घर हम पहुंच गए थे तो मेरी भाभी ने रेडी करके रखा हुआ था ये स्वीट, तो साथ में खाना भी, तो हम सब ने मिलके बैठ के खाया, एंजॉय किया। तो मेरी और 2 सिस्टर्स भी आई हुई थी, उनके बच्चे और हम भी थे, तो सब ने मिल के बहुत इन्जॉय किया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज से मैं शेयर करूँगी आपके साथ डेली व्लॉग। तो ये खाना भी रेडी हो गया था, तो ये था रायता और साथ में चावल, और ये बिरयानी रेडी की थी भाभी ने, तो ये बहुत ही टेस्टी थी। हम सब ने मिल के खाना खाया और उसके बाद थोड़ी देर बैठे बातें की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।